दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 9 फरवरी 2022 आज के लव राशिफल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों लव राशिफल शुरू करने से पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुनें। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आज चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि के रहेंगे, कृतिका नक्षत्र के चंद्रमा रहेंगे जो कि सूर्य का नक्षत्र है। किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे आज के चंद्रमा, आइए जानते हैं। बात करेंगे राशिफल की। राशिफल में हम बात करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। सबसे पहली राशि मेष राशि, आपके लिए आज का दिन बेहद खास बन रहा है, खास करके जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। आज जो लोग सिंगल हैं उनको एक बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है नए व्यक्ति के साथ मुलाकात करने का, उसे इंप्रेस करने का। सबसे अच्छी बात है आपके लिए जो व्यक्ति आपको पसंद है, जिस व्यक्ति से आप बात नहीं कर पाए थे अभी तक, या पहले कभी कोई व्यक्ति आपको पसंद था और वो आपके कहीं ना कहीं आपसे दूर चला गया था, अचानक से उससे फिर से मुलाकात होगी और उससे आप बात करके उसे इम्प्रेस करने में आज पूरा दिन समय व्यतीत करेंगे और आपके लिए काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखेगा। यहां पर देखा जाए तो लव लाइफ की अगर बात करें तो लव लाइफ में अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं पार्टनर के साथ में, तो फिर से पैचअप की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं आपके, बहुत ज्यादा आपके लिए ऐसे भी संभावनाएं, ऐसे भी चांसेस हैं कि आज के दिन फिर से आपके एक्स पार्टनर आपके साथ में रिलेशन रखने के लिए आ जाएं, आपसे अपनी गलती के लिए माफी मांगें, बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। यहाँ पर जो लोग शादी इत्यादि को लेकर के कमिटमेंट करना चाहते हैं आज के दिन, उनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। आज के दिन आप फ्लो में कोई प्रॉमिस या कोई कमिटमेंट बिल्कुल भी ना दें। अगर आज आप कोई कमिटमेंट दे देते हैं तो वो आप निभा नहीं पाएंगे और शायद आपको भी पता हो कि वो आप निभा नहीं पाएंगे। तो केवल और केवल ऐसे ही पार्टनर का मन बहलाने के लिए कोई कमिटेड हो जाए, किसी को कमिटमेंट दे दें, वो चीज़ आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर वो करेंगे तो आप एक पाप के भागी भी बनेंगे और दूसरा आप खुद में ही अपने आप में ही बहुत परेशान हो जाएंगे इस चीज़ को देख करके। आप आज के दिन अगर मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा पार्टनर से सवाल जवाब करते हैं तो खुद भी परेशान हो जाएंगे और पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा स्थितियाँ खराब हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, स्पेशली अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम में कोई फैमिली इशू है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। हो सकता है कि किसी फैमिली मैटर की वजह से परेशानी बनी हो और वो परेशानी इतनी बढ़ सकती है कि आपकी बहुत ज़्यादा ही मैरिड लाइफ खराब कर सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन पार्टनर बनाना, नया रिश्ता शुरू करना या पार्टनर के लिए नए नए गिफ्ट उपहार लेना, आपके लिए बहुत सारी स्थितियां अच्छी बन जाएंगी, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपको बहुत ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो आपके अंदर गलतियां, आपकी गलतियों को नोटिस करेंगे, आपके अंदर कमियां निकालेंगे, आज आपका दिन खराब करेंगे, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहें। आज के दिन लव लाइफ में वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने लव लाइफ को आप खुद खराब करेंगे आज के दिन। आप बिन वजह पार्टनर पर शक करना, बेवजह शक करना, बेबुनियादी बातें करना और जानबूझकर झगड़े करना, आज ऐसी स्थितियां आपकी तरफ से बनेंगी। तो अगर आप अपने शब्दों पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं लगाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपने मजाक किया, कब मजाक का सवाल किया, कब झगड़े की शुरुआत आपने की और कब झगड़ा दोनों तरफ से हो गया। इसलिए यहाँ पर सावधान रहना है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति में कठिनाइयाँ नजर आ रही हैं,
आपकी मैरिड लाइफ में परेशानियां थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएंगी, लेकिन यहां भी आपको पास्ट बहुत परेशान करने वाला है। आपका कोई पास्ट का अफेयर इत्यादि आपको परेशान कर सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके फैमिली के बारे में कुछ ऐसी बातें पार्टनर अभद्र टिप्पणी कर देगा जिससे आपको उसके साथ रिश्ता खत्म करने का मन करेगा और बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाएंगे। ये स्थिति है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों सिंगल हैं, कोई बहुत अच्छा दोस्त आपका बना हुआ है जिसके साथ आप इमोशनल भी होने लगे थे, वो आज बहुत बड़ा विश्वासघात करके चला जाएगा और आपको तकलीफ बहुत होगी। लव लाइफ में किसी दोस्त की वजह से आज आपकी बहुत ज्यादा पार्टनर के साथ में झगड़े की स्थिति बनेगी। कई बार वो थर्ड पार्टी साबित होगा और बहुत ज्यादा आपको लड़ाने की कोशिश करेगा, इसलिए आज के दिन अपने दोस्त से पार्टनर की बातचीत ना कराएं या किसी दोस्त से अपने पार्टनर की बातें शेयर ना करें या किसी दोस्त की बातें अपने पार्टनर को शेयर ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। मैरिड लाइफ यहां पर बहुत ज्यादा झगड़े की स्थिति बना रही है, मैरिड लाइफ में भी परेशानियां नजर आएंगी और सबसे ज्यादा परेशानियां आपकी मैरिड लाइफ में खर्चों को लेकर होंगी या बहस को लेकर होंगी, तो यहां पर भी आपको सावधान रहना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्यार मिलेगा, यहां पर रिश्ता अच्छा रहेगा, यह स्थिति है दोस्तों। आप बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन कोई गिफ्ट उपहार मिल सकता है, बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा, पार्टनर बन सकता है कोई पार्टनर के साथ में। अगर लव लाइफ की बात करें तो पार्टनर के साथ में संबंध अच्छे होंगे, गलत फहमियां दूर होंगी, कोई ठोस कमिटमेंट मिल जाए, शादी का प्रॉमिस कर दें पार्टनर आपके लिए, मैरिड लाइफ में पार्टनर स्टैंड लें और आपके प्रति जो जिम्मेदारियां उसे समझें, अब आपको वो अपना बना लें और आपको हर प्रकार से प्यार का इजहार करें। आपके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति भी बहुत ज्यादा बदलाव लेती हुई दिखाई देगी आपकी तरफ। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन पार्टनर आपको इमोशनल बातें करके बहुत ज्यादा लूटना चाहेंगे, आपको कई एक तरह से फायदे उठाने के लिए वो आपको इमोशनल बातें करेंगे, तो उनके बहकावे में ना आए, इस चीज का ध्यान रखें, स्थिति है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपके ईगो की वजह से आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त आपको छोड़कर जा सकता है। आपके लिए आज लव लाइफ में आपके पार्टनर और आप दोनों का ईगो और दोनों का स्वार्थ आपके रिश्ते को खत्म करने के लिए आज आपके प्रेम के धागे में एक गांठ लगा देगा, जिससे आपकी लड़ाई एक बन जाए और वो जख्म जो है आज जो देगा आपका पार्टनर आपको या आप अपने पार्टनर को, वो कभी भुलाने योग्य नहीं होगा, भुलाने लायक नहीं होगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आज के दिन पार्टनर इग्नोर करेंगे आपके लिए। मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा किसी थर्ड पार्टी की वजह से परेशानी, उनके फादर की वजह से परेशानी, पार्टनर के फादर की वजह से परेशानी या उनके ऑफिस में किसी काम की वजह से परेशानी, ऑफिस में किसी सहयोगी की वजह से परेशानी, कोई थर्ड पार्टी वाली स्थिति बनेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नया रिश्ता बिल्कुल शुरू ना करें और नया रिश्ता शुरू किया है तो आज खत्म हो जाएगा, ये स्थिति है दोस्तों। आप बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन किसी पर जल्दी भरोसा करना आपके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। आज के दिन आपकी लव लाइफ में पार्टनर झूठे वादे करेगा, बहुत ज्यादा झूठ बोलेगा, बात बात पर वो कहानियां बनाएगा और झूठ पर झूठ बोलता जाएगा। आज के दिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पार्टनर वापस आए तो अब भी आपको झूठे ही बोलने वाले हैं, तो उनकी बातों पर यकीन बिल्कुल मत करना। आज के दिन आपकी मैरिड लाइफ में पार्टनर की कुछ छिपी हुई बातें आपको पता लगेंगी जिससे आपको तकलीफ बढ़ने वाली है। हालांकि मैरिड लाइफ में आप अगर अपनी समझदारी से काम लें और चीजों को इग्नोर करें तो आपके लिए स्थितियां ठीक रहेंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके लिए पार्टनर काफी प्यार भरी बातें करेगा, बहुत ज्यादा आपके लिए इमोशनल दिखेगा, जिससे आपका दिन पूरा अच्छा जाने वाला है, ये स्थिति है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं, लेकिन लव लाइफ में पार्टनर आज पास्ट को लेकर के, पुरानी बातों को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा करने वाला है। वो कहेगा आपसे, हो सकता है वो पास्ट को लेकर के इतना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाए कि अब वो कहने लगे, पास्ट की जब बातें चलें तो वो अपने आप को सही ठहराए और आपको बोलने लगे कि वो मेरा पास्ट था और रहेगा, उसे हम झुठला नहीं सकते, भुला नहीं सकते,
हम उससे आज भी कहीं ना कहीं प्यार करते हैं। ये बातें आप अपने पार्टनर से सुनकर के हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो और बहुत बुरा भी लगे। आपके लिए आज ब्रेकअप और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति जरूर बनेगी, लेकिन पूरी तरह से ब्रेकअप की संभावनाएं नहीं है। एक अपने आप में बेबस नजर आएंगे आप, कि आप भूलना चाहें तब भी पार्टनर को भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं उधर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति में भी बहुत परेशानी होने वाली है। मैरिड लाइफ में आज के दिन आपके लिए पार्टनर कुछ ऐसी बातें जानबूझ कर निकाल कर लाएंगे जिससे आप उनसे झगड़ें, और झगड़ा होने के बाद में एक दूसरे से बात कम करें और हो सके तो एक दूसरे को इग्नोर करें, जिससे कि वो थर्ड पार्टी के साथ में बातचीत कर पाए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आप पार्टनर के साथ में यात्रा कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप सावधान रहें। आपके साथ में बहुत बड़ा कोई फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ में कोई आपका आरोप लगाना, लांछन लगाना, कलंक लगाना, यानी कि कोई व्यक्ति आपको फंसाना चाहे। आपके लिए जो भी व्यक्ति आपके पास आए वो आपको सही इरादे से ना आए, कहीं ना कहीं आपको बहुत परेशानी देकर जाए या बहुत बड़ी दुविधा में डाल जाए, तो इसलिए नए व्यक्तियों से सावधान रहिएगा। आज के दिन किसी को प्रपोज मत कीजिएगा। लव लाइफ में पार्टनर शादी का कमिटमेंट के लिए बहुत बेताब रहेगा, लेकिन कमिटमेंट देने वाले कमिटमेंट की स्थिति में आप नहीं हैं, ना कमिटमेंट दे सकते हैं, और कमिटमेंट अगर चाहते हैं तब भी आप प्रयास ना करें। शादी को लेकर के आज बातचीत ना करें, पुरानी बातों को लेकर के बातचीत ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। आज के दिन आपको हालांकि पुरानी बातें ही ज़्यादा याद आएंगी, अपने एक्स के बारे में ही ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन ये आपके लिए खराब है। और क्योंकि आपके पार्टनर भी आपके मन की बात जान लेते हैं, यह बात आपको पता है, इसलिए आपको उन्हें कोई भी ऐसी बात शेयर करने का, कहने का मौका ही मत दीजिए, उसे याद मत कीजिए जिसे आप याद जानबूझ कर कर रहे हैं। क्योंकि आपके ये जो दिन हैं, वैलेंटाइंस वीक है, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ विशेष है, और इसमें आपकी पुरानी यादें आना बहुत स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन ये पुरानी यादें आपको ही ज़्यादा आएंगी। आप एक ऐसी राशि हैं जो आसानी से चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा अपने आप पर ध्यान देना है। मैरिड लाइफ में आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा पार्टनर से प्यार मिल सकता है, बहुत सारी स्थितियाँ आपकी अच्छी हो सकती हैं, लेकिन आपको चीज़ों को संभाल कर चलना होगा। अगर आप अपने पार्टनर पर ध्यान देंगे तो आपकी स्थितियाँ अच्छी होंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन पार्टनर बहुत ज़्यादा झूठ बोलेगा, बहस करेगा और आपको ही गलत साबित करने पर तुला रहेगा, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपके लिए दिन सामान्य है। लव लाइफ में कठिनाइयां, परेशानियों के साथ में आपके पार्टनर की हेल्थ खराब हो सकती है और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं अपने पर्सनल कार्यों से, तो उनका ध्यान रखें, उनका सपोर्ट करें। आज के दिन में आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थोड़े झगड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन बातचीत हो सकती है। मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की वजह से कोर्ट कचहरी में या कोर्ट कचहरी में है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाली स्थिति बनने वाली है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नजर आएंगे, वो आपसे आज दिन में कई बार कह देंगे कि अब हम इस रिश्ते को नहीं रखना चाहते हैं, इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों सिंगल हैं तो आज के दिन आपके लिए दिन सामान्य है। आपके लिए सबसे ज़्यादा स्थितियाँ लव लाइफ में अच्छी हैं। लव लाइफ में पार्टनर से प्यार, केयर, इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और उसके साथ साथ कोई बड़ा एक्शन आपके लिए लेने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा स्टेप आपके लिए उठाने वाले हैं, बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। और मैरिड लाइफ में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थोड़ा पार्टनर आपको इग्नोर करेंगे और आप पर ध्यान कम देंगे, ये स्थिति रहेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपको कोई बहुत इमोशनल व्यक्ति मिल सकता है जिसके साथ आप डेट पर जा सकते हैं। लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। लव लाइफ में भी पार्टनर के साथ में मुलाकात हो सकती है, घूमने फिरने जा सकते हैं, और पार्टनर आपको बहुत सारी चीज़ें भी गिफ्ट कर सकता है। आपके लिए मैरिड लाइफ थोड़ी कलहपूर्ण है, ईगो की वजह से मैरिड लाइफ में कलह हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ज़्यादा स्वार्थी हो जाएंगे आप, और आपका स्वार्थ आपके पार्टनर को पसंद नहीं आएगा, इस वजह से झगड़े हो सकते हैं, ये स्थिति है।
दोस्तों आप बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप बहुत ज़्यादा बेचैन परेशान रहेंगे। नए लोगों से मुलाकात बिल्कुल भी ना करें, बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। लव लाइफ में आज पार्टनर भरोसा तोड़ देगा। आपके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण है भरोसा, और आज वही आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाएगा। आपकी लव लाइफ में परेशानी है, लेकिन मैरिड लाइफ में आपके लिए स्थितियाँ अच्छी हैं। मैरिड लाइफ में ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे, हंसी मजाक होगा, और पार्टनर आपको बहुत बड़ा कोई प्रॉमिस भी कर सकता है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियों में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पार्टनर में बड़ा बदलाव आपके प्रति थोड़ा अच्छा होगा। इसमें हो सकता है कि आपको लेकर के कुछ भावनाएं उनकी हैं, वो आपके सामने व्यक्त करें और आपको सब कुछ अपने बारे में बताना चाहें, जो उन्होंने छिपा रखा है आज तक वो भी आपके साथ में शेयर करें। यह स्थिति दोस्तों आज के लव राशिफल की। अगर आपको आज का लव राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। कमेंट में अपने पार्टनर के प्रति जो भी आपकी फीलिंग्स हैं अभी आज के दिन, वो आप जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।